पढ़ेंगे कारक, और जिसमें हमने छह कारक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज लास्ट दो, 7 और 8, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं अधिकरण। अधिकरण में पर, जिसमें कौन सी विभक्ति बजाती है? सप्तमी विभक्ति। तो मतलब जब हम वाक्य बनाएंगे और वाक्य का हिंदी करेंगे तब उसमें अर्थ क्या निकलेगा, मैं और पर। तो देखिए सबसे पहला वाक्य आपको क्या दिया हुआ है, मम मित्रम नगरे निवसति। मम मीन्स मेरा, मित्रम यानी मित्र, यहाँ पे नगरे सप्तमी विभक्ति किसके रूप में आ रही है, नगरे में। किसमें? नगरे में। तो हम लिखेंगे नगर में, निवसति मीन्स होता है रहना, तो इसका मतलब क्या होगा, रहता है। तो वापस देखिए, मम मित्रम नगरे निवसति, मेरा मित्र नगर में रहता है। नेक्स्ट सेकंड, रक्षे खगा तिष्ठन्ति। तो यहाँ पे देखिए रक्षे में कौन सी विभक्ति यूज आ रही है, सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे आप देखिए अंडरलाइन कर लीजिए, तो रक्षे यानी वृक्ष पर हो जाएगा। क्यों? देखो क्या लिखा है, खगा, खगा मतलब होता है पक्षी, खगा मीन्स पक्षी, एंड तृष्टति मीन्स होता है बैठना। तो यहाँ पे देखिए नति मतलब ये कौन सा वाक्य हो गया है, बहुवचन का वाक्य हो गया है। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। एक बार फिर से देखिए, वृक्षे खगा तिष्ठन्ति मतलब वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। नेक्स्ट थर्ड, वृक्षे फलम अस्ति। तो यहाँ पे भी देखिए सप्तमी विभक्ति, पहले आप बताओ कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए सप्तमी विभक्ति इसमें यूज आई है वृक्षे में, तो वृक्ष को क्या लिखेंगे, वृक्ष पर फलम, फल अस्ति मीन्स होता है, और ये वाक्य पूरा किसका है, एक वचन का है। तो वृक्ष पर फल है, तो ये होता है अधिकरण, जिसमें हम वाक्य में मैं और पर से वाक्य बनाते हैं। और इसमें जो विभक्ति यूज में आती है वो कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन मीन्स होता है किसी को संबोधित करना, ठीक है। संबोधन मीन्स किसी को संबोधित करना, जैसे हम संबोधित करते हैं हे अरे से, इसे करते हैं हे और अरे से। जिसमें देखो इसमें क्या होता है कि हे अरे तो यूज लेना है, लेकिन साथ में इसके साथ जो विभक्ति आएगी वो प्रथमा विभक्ति आएगी, मतलब जो हम प्रथमा विभक्ति में जो यूज देते हैं वो आपको इसमें लिखना है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, फर्स्ट आपका देखिए उदाहरण, हे बालकः। तो देखिए बालकः, उसके बाद ये विस्मयबोधक चिन्ह, हे बालकः त्वं पुत्र गच्छसि। तो सबसे पहले तो आपको इस वाक्य में से पहले बताओ कि इसमें संबोधन वाक्य कौन सा है, मतलब किससे पता चल रहा है कि संबोधन वाक्य, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो इसमें हे बालकः से पता चल रहा है। तो हे बालकः को लिखेंगे हे बालकः, त्वं, त्वं का मतलब होता है तुम, पुत्र यानी कहाँ, तुम कहाँ गच्छसि मीन्स जा रहे हो। तो हे बालक तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट सेकेंड, हे बालक, हे छात्र त्वं किम पढ़सि। तो इसमें संबोधन वाक्य में जो शब्द आया है वो है हे छात्र, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, हे छात्र त्वं मीन्स तुम, किम क्या, पढ़सि मतलब पढ़ते हो। एक बात ध्यान में रखना, त्वं आया है इसलिए इसके साथ क्रिया कौन सी आई है, पढ़सि, और ये कौन सा वाक्य है, एक वचन का वाक्य है। तो इसका हिंदी बनेगा हे छात्र तुम क्या पढ़ते हो। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, संबोधन वाक्य। तो आज हमने अधिकरण और संबोधन वाक्य पढ़े हैं। तो आज आपका कारक टॉपिक यहीं पर ही समाप्त होता है। तो हमने कारक टॉपिक में टोटल 8 मतलब वाक्य बनाना सीखे, जिसमें हमने कर्ता से स्टार्ट किया था और लास्ट हमने संबोधन तक खत्म किया था। तो इनसे हम कारक से ही शब्द निर्माण बनाना सीख सकते हैं। अब हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्रिया बोधक का, कि हम सब्जेक्ट मतलब कि आपके जो कर्ता है उसके साथ कौन सी क्रिया यूज में आती है, उसके बारे में बात करेंगे।